माननीय सांसद श्री पल्लव लोचन दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिंदु चार में उन्होंने पढ़ा है, मेरे सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उसे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत सही तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अभिभाषण को उन्होंने देश के सामने रखा है और हम जो नया संसद में हमको भी सीखने का मौका मिला। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को। बहुत सालों के बाद 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय हुआ। बिरसा मुंडा का जो उनका फ्रीडम मूवमेंट में उनका जो योगदान रहा उसका रिकॉग्निशन नहीं है मैडम। हम देखते हैं देश बदल रहा है, लेकिन जो लोगों ने देश को बनाने के लिए काम किया उनका रिकॉग्निशन पहले था ही नहीं, पहले किसी का रिकॉग्निशन। हम अभी जनजातीय गौरव दिवस बनाने का जो निर्णय लिया है ये सभी के लिए, सबके लिए एक संतुष्टि का विषय है। हम असम में भी अगर देखेंगे, झारखंड से लोग असम में जाते हैं, हम बिरसा मुंडा के वहाँ पे दिवस मनाते हैं, लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं, पहली बार ऐसा रिकॉग्निशन मिला है। तो हम इसको बहुत आदरपूर्वक धन्यवाद करते हैं। और सर, हमारा जो संकल्प मैडम, हमारा जो संकल्प है वो क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पहली बार ऐसा सेंटेंस और ऐसा मोटो हमने सुना है, सबके साथ सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा और सबका प्रयास होगा। सबको लेके देश बनाने का एक संकल्प हमने लिया है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम सुनते हैं तब हमको ये आश्चर्य होता है, जब प्रधानमंत्री इतने सुंदर तरीके से बोलते हैं सबको लेके काम करने के लिए, फिर भी लोग इसको विश्वास में नहीं लेते हैं। फिर भी मैं अगर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल बिंदु है वो है अंत्योदय, अंत्योदय के ऊपर पूरा देश का विचार हम लोग रख रहे हैं। अंत्योदय मैं दूसरे बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। जब पद्म अवार्ड दिया गया, पद्म अवार्ड में हमने देखा पहली बार कहीं लोग आए बिना चप्पल के, पद्म अवार्ड लेने के लिए लोग आए, पहली बार ऐसा नज़ारा टीवी में हम लोगों ने पहली बार देखा, ये था ही नहीं पहले। अभी नोटिस के बारे में अगर बोलते हैं, नोटिस को तो कभी रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। यहाँ पे बोला गया मैडम जे इंडिया क्या है, भारत क्या है, स्टेट का सब यूनियन है, स्टेट का सबको लेके, लेकिन नोटिस कहाँ था पहले? नोटिस के लोगों का रिकॉग्निशन क्या था? इस बार हम आज़ादी का 70 ईयर्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 79 से असम एजिटेशन हुआ, 79 से असम एजिटेशन हुआ, उस टाइम से हमने कभी भी देखा नहीं। जब 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो रहा था उस टाइम असम में क्या माहौल था, हम क्या मानते थे? हम लोगों को लगता था 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे लिए बंद है, हम असम बंद वहाँ पे होता था, हमारे वहाँ पे बंद होता था। हम पहली बार इस बार बाय 2021 15 अगस्त को हम लोगों ने पहली बार ऐसा मौका हम लोगों को मिला जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी मिलिटेंट ग्रुप ने बंद का डिक्लेयर नहीं किया। पहली बार इस बार 26 जनवरी हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, किसी ने इसको बंद डिक्लेयर नहीं किया, पहली बार हम लोगों ने ऐसा, हमने कभी फील ही नहीं किया। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन असम के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूछिए 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोगों का क्या माहौल था वहाँ पे?
हम कैसे रहते थे वहां पे? यहाँ पे लोग बोलते हैं जब सेंटीमेंट को रिलेट करना है, कैसा सेंटीमेंट मैडम? सेंटीमेंट को कैसे फील किया जाता है? वहां पे लोग मर जाते हैं, उसका कुछ सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं होता है। देश किस तरह से वहां से चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के जिसके तरह से डिस्क्रिमिनेशन, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या लगता था, जे दिल्ली हमको देखते नहीं, किसका सरकार था मैडम? किसका सरकार वहां पे? दिल्ली में सरकार किसका और असम में सरकार किसका, नॉर्थ ईस्ट में सरकार किसका? लेकिन वहां पे हम लोगों ने वो देखा नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट आया, मैडम नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा तो बोलना दीजिए। एक मिनट में क्या बोले मैडम? टाइम 5 मिनट आपको दे दिया। थोड़ा सा मैडम, पहली बार हमने देखा नरेंद्र मोदी जी पहली प्रधानमंत्री है जो 60 times विजिट किए हैं नॉर्थ ईस्ट को। 60 times विजिट किए हैं, पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा था 60 times विजिट करना? कोई भी हमने देखा नहीं। पहली बार ऐसा मौका मिला यूनियन मिनिस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया। पहले यूनियन मिनिस्टर्स हम लोगों को वहाँ पे हम लोग दिखाई, यहाँ पे लोग महीना महीना भर यहाँ पे बैठते रहते हैं एक यूनियन मिनिस्टर को मिलने के लिए, और हमारे यूनियन मिनिस्टर वहाँ पे 15 दिन में वहाँ पे जाते हैं। ऐसा पहली बार हमने देखा जब नरेंद्र मोदी जी ने असम का गामुसा बोलते हैं उसको, वो गामुसा को वैक्सीन लेने के टाइम में वो गामुसा उनको पहन के वो वैक्सीन लेते हैं, कितना गर्व महसूस होता है, क्या सेंटीमेंट, क्या फीलिंग होता है। जब पद्म अवार्ड दिया जाता है तब मणिपुर के 4 पद्म अवार्ड जब मिलते हैं, जब गरीब चाय मजदूर के एक बेटे को पद्म अवार्ड दिया जाता है, वो सेंटीमेंट जो है वो सेंटीमेंट को कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। वो सेंटीमेंट, वो इमोशन है, उस इमोशन को हमने रिप्रेजेंट किया। आप देखिए बड़ोलैंड या BTR में, उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में इतना मिलिटेंसी ग्रुप था, लोग डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचे, क्या डेवलपमेंट, बिना शांति के क्या डेवलपमेंट होगा, क्या रास्ता बनेगा, क्या बड़ा बड़ा डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं है। जब 2012 यहाँ पे लोग बोलते थे माइनॉरिटी के ऊपर यहाँ पे बहुत दंगा हो रहा है, लेकिन असम में, नॉर्थ ईस्ट में कैसा दंगा हो रहा था 2012 में? क्या 4 लाख लोग रिलीफ कैंप में रहे, 273 रिलीफ कैंप बने वहाँ पे, वहाँ पे कितना ऐसा परिवेश वहाँ पे था। उस बारे में जब नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट आया 2014 में, जब ऑपरेशन ऑल आउट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद इंसर्जेंसी के ऊपर BTR रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद अभी असम में शांति है, अभी डेवलपमेंट है, अभी प्रॉस्पर है, अभी नॉर्थ ईस्ट के, अभी सब हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप पहले नेफा था मैडम, मैडम पहले नेफा था, नेफा उस टाइम जब दे पूरा हमारे नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग स्टेट बनाया गया, स्टेट के बाउंड्री को वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के बीच में, स्टेट के बीच में वहाँ पे रिलेशन खराब हुआ। लेकिन पहली बार इस बार नॉर्थ ईस्ट के बीच में सबके साथ हम बॉर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बात पहली बार ऐसा हम लोगों को प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने हमारे इमोशन को समझा, हमारे प्रॉब्लम्स को समझा, हमको कैसे डेवलप में आगे लेके जाना है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लग रहा है जे हम देश के मेन एरिया में हम लोग आ रहे हैं, पहली बार दिल्ली जाके नॉर्थ ईस्ट में अराइव किया है। तो इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण के माध्यम में, मैडम एक मिनट में कंक्लूड करता हूँ, अभिभाषण के माध्यम में जो हमको वार्ता दिया, जिस तरीके से इस हमारे सरकार जो काम कर रहे हैं उस काम को हम आगे बढ़ाना हम सभी चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट प्रोस्पायर करेगा, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा, और एक बेहतर, जो बेहतर नॉर्थ ईस्ट और असम वो बनेगा, वो उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।